Hello students, good afternoon. Very soon we are going to discuss on the given topic, that is economic system adopted by India. Today we are going to discuss economic system adopted by India. जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाएं, हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का हमारे देश में उपलब्ध है और हम लोगों ने किस तरह की इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे ज्वाइन करें। बच्चों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आपको कोई वर्ड या कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिंग करें, मुझे याद दिलाएं। आई विल सर्टेनली कम आउट विद योर सॉल्यूशन। और कहीं पर भी कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड दीज लिमिटेड रिसोर्सेस आर टू बी यूटिलाइज्ड फुली इन ऑप्टिमम मैनर। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, सिंस in this situation we have not a plenty of resources to utilize to live streaming. So please be conscious and you must have pen paper to note down the important points that we are going to discuss. Agar aapko kahin par koi doubt hota hai to aap comment box mein use likhein। अगर हम देख लेंगे तो अभी नहीं तो फिर बाद में हम आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे जरूर। जो भी आपकी प्रॉब्लम है दैट इज टू बी एड्रेस्ड। तो आई होप कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी आकर के ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन आजादी जिनके हाथों से मिली उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से लूट लिया था और हमारी इकॉनमी बहुत ही बुरी अवस्था में थी। तो सबसे पहला प्रश्न यह था कि हम किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें, यानी स्वतंत्रता के पश्चात मिलियन डॉलर क्वेश्चन वाज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम शुड इंडिया अडॉप्ट। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और उनके फीचर्स क्या हैं, फिर आगे चल करके हमारे देश ने किस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम और क्यों अडॉप्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से वार्ता करेंगे। एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय। सो you please join the session with pen and paper. If you are having any sorts of doubt, you can ping me in comment box. I will come out with the answer and I will try my level best to settle your doubts, whatever you are raising there. So
बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, अब हम लोग अपनी क्लास शुरू ही करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947, एक्चुअली इट गॉट अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन लीगेसी। इसे लीगेसी में एक पिछड़ी हुई और स्टैग्नेंट अर्थव्यवस्था मिली अंग्रेजों के द्वारा। एंड व्हाट हैपेंड लेटर, पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेड द सिचुएशन वर्स। भारत के विभाजन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। Therefore, the utmost task before the country was its economic development. You know, after independence, what was the most important task before the country? To ensure economic development of the country. Then, the $1 billion question was, how can this goal be achieved? What type of goal? Means which kind of economic system is to be adopted so that the development of a country can take place? And moreover, which type of economic system would be more suitable for India and that can promote the welfare of all? एक ऐसा सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है जिसे हम एडॉप्ट करें और वो जो सभी के वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं बच्चों? ये एक तरह का अरेंजमेंट है by which the central problems of an economy, जिसके द्वारा economy की जो central problems हैं यानी केंद्रीय समस्याएं, उन्हें solve किया जाता है। Economic system refers to an arrangement by which the central problems of an economy are solved. You please take care once again about the definition of economic system. Economic system refers to an arrangement by which the central problems of an economy are addressed or solved. किस तरीके से हम जो हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं उन्हें हम कैसे हल करते हैं, उसके बारे में इकोनॉमिक सिस्टम हमारा गाइडेंस करता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले बच्चों, हम सभी लोगों को यह जानना जरूरी है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या चीज है। दो यू मस्ट हैव रेड दिस टॉपिक दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इन योर क्लास 11th, but it would be good to reiterate once again, recapitulate what is the central problem of an economy. अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं बच्चों? आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। नंबर टू, हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर थ्री, हुम टू प्रोड्यूस। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली समस्या है
क्या और कितनी मात्रा में पैदा किया जाए, उत्पादन किया जाए। वंस अगेन आई एम रीट्रेटिंग द सेम क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट गुड्स एंड सर्विसेस शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एन इकोनॉमी फेसेस। नंबर टू, हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेस बी प्रोड्यूस्ड। हाउ मीन्स हियर व्हाट काइंड्स ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी बाय एंड लार्ज। नंबर वन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नंबर टू, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूज्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर वर्क फोर्स इज इन मेजॉरिटी एंड lot of people are unemployed. But if you look at capital intensive technique is generally utilized in a country like United States of America, Great Britain, which are termed as a developed country because they have capital in abundance and they can use it smartly. And students, the third problem that we discuss under central problem of an economy is whom the goods and services should be produced. किसके लिए हम इन वस्तुओं का production करेंगे? तो central problem तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेस इन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना है, किस मात्रा में। और दूसरा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, हाउ टू प्रोड्यूस, जहां पर दो तरह की टेक्निक हम बाय एंड लार्ज यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। आगे अगर बच्चों आप इकोनॉमिक सिस्टम देखें तो इकोनॉमिक सिस्टम के तीन मेन प्रकार हम लोग यूज में लाते हैं। इन होल ऑफ द वर्ल्ड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज फाउंड इन कंट्रीज। पहले इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। पहली इकोनॉमिक सिस्टम का नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम का नाम सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरे इकोनॉमिक सिस्टम का नाम जो कि हमारे देश में है और हमारे देश ने इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद अपनाया, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन को एक नया नाम मिक्स्ड इकोनॉमी दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ इन्वेंशन ऑफ आवर कंट्री दैट वी कंबाइंड बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मेक मिक्स्ड इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या चीज है। एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा जहां पर उत्पादन के साधनों का ओनर, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यानी उत्पादन के साधन प्राइवेट लोगों के हाथ में हों। इफ यू लुक एट, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। यानी इकोनॉमी में संपत्ति पर, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। और उनका जो, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज डायरेक्टेड टू अचीव सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव होता है यानी अधिकतम लाभ की आकांक्षा से ये लोग काम करते हैं। चूंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेसेस फेयर के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी अहस्तक्षेप की नीति जिसमें सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होगा, उसे लेसेस फेयर पॉलिसी बोलते हैं। तो यहां पर लेसेस फेयर की पॉलिसी होने के कारण इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वन बाई वन, अगर आप पहले फीचर को देखें तो पहला फीचर, जैसा कि मैंने डिफिनीशन में ही बताया कि हियर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन्ड, तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है। यानी इन कैपिटलिज्म ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाई द प्राइवेट सेक्टर। यानी इस तरह की व्यवस्था में, इस तरह की आर्थिक व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है। अब दूसरा जो फीचर इस तरह की व्यवस्था का है वो प्राइस मैकेनिज्म का है। यानी इस तरह की व्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के मूल्य किस तरह से निर्धारित होते हैं। यहां पर बच्चों मार्केट फोर्स मींस डिमांड एंड सप्लाई वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस को डिटरमाइन करती है। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम Only those goods will be produced which have their demand in the domestic as well as foreign market. As there are no intervention by the government. सरकार के द्वारा यहां पर किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तीसरे फीचर्स को देखें दैट इज प्रॉफिट मोटिव, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होता है। द प्रोड्यूसर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कंज्यूमर की स्वतंत्रता की संप्रभुता, जिसे हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी कहते हैं, यानी कितना जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो कितना संप्रभु है, कितना ताकतवर है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस गाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी इस तरह की व्यवस्था में कंज्यूमर जिन चीजों की आवश्यकता महसूस करता है, जिन चीजों का वो उपभोग करना चाहता है, वही चीजें प्रेफर की जाती हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आप देखें तो यहां पर कंज्यूमर सॉवरिन होता है, वो संप्रभु होता है, यानी लोक कल्याण की भावना नहीं है यहां पर। यहां पर फिर अगर आप पांचवा पॉइंट देखें तो अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ बीफिटिंग मैनर। क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में भी प्रतिस्पर्धा और उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तो अगर आप कहें देखें तो कंपटीशन होने के कारण उपभोक्ताओं को दो चीज का फायदा हो जाता है। पहला फायदा, एक तो उन्हें क्वालिटी गुड्स मिलती हैं, क्वालिटी सर्विसेज मिलती हैं, और दूसरा प्राइस लेवल पर उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर कोई एक फर्म उनसे अधिक पैसा लेने की कोशिश करती है तो कंज्यूमर शिफ्ट्स टू अनदर फर्म्स टू परचेज द सेम। सो इफ यू लुक एट दिस, कॉम्पिटिशन इज वेरी गुड फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज इट provides them an opportunity to have a qualitative goods and services at cheaper rates. Dear students, capitalist economy को आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे। बच्चों, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, जो कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का दूसरा पार्ट है, तो इट इज ए सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो उत्पादन के साधन हैं उनका नियंत्रण, उनका प्रबंधन सरकारें करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां आप एक बात निश्चित रूप से क्लियर कर लीजिए कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज दैट ऑफ द ओनरशिप, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये तीनों काम प्राइवेट सेक्टर करता है, बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द पब्लिक सेक्टर। सो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। इस सोशलिस्ट इकोनॉमी को इसीलिए प्लांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नियंत्रण, प्रबंधन सब कुछ सरकार करती है।
अब अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स पर ध्यान दें तो पहला फीचर वही होगा कि फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप पब्लिक यानी गवर्नमेंट के पास में होती है। अब पब्लिक और गवर्नमेंट क्या है? इट मींस देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो भी प्रॉफिट इस व्यवस्था में अर्न किए जाते हैं दैट गोज टू द स्टेट एंड फर्दर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। इस व्यवस्था में जो भी लाभ अर्जन होता है उसको सरकार रखती है और फिर सरकार उसी फंड का, उसी लाभ की जो धनराशि है उससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि या खर्च करती है। बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म यहां पर किस तरह का होता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किस तरह से निर्धारित होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। क्योंकि इस व्यवस्था में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था की मांग है उसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मींस इनडायरेक्टली यू कैन से दैट गवर्नमेंट नोज, यानी सरकार ये जानती है कि व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों के, देश के लोगों के हित में कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना होगा, कौन सा हितकर होगा, लाभकर होगा, किस चीज की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। तो आप इस मामले में क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर गुड्स इज नॉट गिवन, मतलब यहां पर कंज्यूमर के प्रेफरेंस को नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहां तो लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की बात को ध्यान में रखना है, जो कि तीसरे फीचर्स में इफ यू लुक एट, वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना था, बट हियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द सोशल वेलफेयर। यू कैन से दिस सिस्टम इज गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नॉट बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करता है। अब अगर आप चौथे पॉइंट यानी चौथा जो फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी का है अगर आप उस पर ध्यान दें तो कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी जो कंज्यूमर इस व्यवस्था में है उसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। ये दीज पीपल, आई मीन टू से कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट। मीन्स हियर कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज नॉट गिवन द प्रायोरिटी। व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस that it deems fit in the whole interest of the country. Accordingly, each and every consumer had to manage their priorities
अकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट। जो राज्य की प्रायोरिटीज हैं, जो सरकार की प्रायोरिटीज हैं, उसी प्रायोरिटीज पर हम सभी लोगों को, नागरिकों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को अपनी प्रायोरिटीज रखनी पड़ती है। अब अगर आप बच्चों नेक्स्ट फीचर्स को देखें तो यहां पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं पाया जाता। यानी नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अंडर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहां अनलाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो कंपटीशन। तो उसके अपने नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है वो अगर आप, जहां पर कंपटीशन था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जब वहां कंपटीशन के कारण कंज्यूमर्स को दो प्रॉफिट होते थे, एक कि उसे क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज मिला करती थी, दूसरा कम दाम पर। लेकिन अगर आप सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में देखें, जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, तो कंज्यूमर्स को क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं मिलती हैं और दाम भी बहुत हाई रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू साइट एन एग्जांपल रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो आप अपनी फैमिली में ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। 1990s के दौर में जब मोबाइल फोन की शुरुआत हुई तो सर्विस प्रोवाइडर केवल एक BSNL और MTNL था। ये प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे मार्केट में, तो बहुत बड़ा सा हैंडसेट होता था और इनकमिंग आउटगोइंग कॉल चार्जेज भी थी, जिनको हम सभी लोगों को या जो लोग यूज करते थे उन्हें देना पड़ता था। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि आप BSNL का मोबाइल यूज करें और जो उनकी सेवा शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, दैट इज टू बी फॉलोड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। बट डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड व्हेन द होल इकोनॉमी वाज ओपेंड टू द प्राइवेट प्लेयर एंड डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंटर्ड। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी मोबाइल सेवाएं देनी शुरू की। आज की स्थिति क्या है, आप उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना कर सकते हैं। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आने दिया गया, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली नहीं रही। यहां बहुत ब्रीफ में आपको बताता चलूं, When India got independent in 1947, Pandit J.L. Nehru, that is our first Prime Minister, adopted the mixed economic system, that is the combination of private and public, capitalist and socialist economy. इसलिए अगर हमने capitalist economy adopt की होती तो हम ये सारी चीजें तो कर सकते थे, लोगों को क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते थे, कम रेट पर दे सकते थे। लेकिन ऐसे में जो हमारे देश की परिस्थितियों में ठीक नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन गरीब लोगों का ध्यान रखने के लिए हु इज द बेस्ट, ओनली द पब्लिक सेक्टर
दैट इज द गवर्नमेंट इज द बेस्ट हु कैन टेक केयर ऑफ देम. दैट इज वाई एट दैट टाइम आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एडॉप्टेड दिस मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी के फ्यूचर के क्रम में बच्चों, ये हमने आपसे लास्ट बताया कि कंपटीशन नहीं था. अब जब हम लोगों ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया, तो तीसरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने उसको एडॉप्ट किया. लेकिन यहां पर बच्चों हम दो तीन चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं. नंबर वन, एक्चुअली आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एडॉप्टिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकॉनमी इन आवर कंट्री. क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे, जबकि तत्कालीन यूएसएसआर का कई बार उन्होंने दौरा किया, वहां की इकोनॉमिक सिस्टम क्या है उसे अच्छे से समझा, फिर भी उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे. उसके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ इतना कारण था कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. आप जानते ही हैं सोशलिस्ट पैटर्न इकोनॉमी में सारे मीन्स ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर ओन्ड कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. वो सारे सरकार के द्वारा नियंत्रित परिचालित थे, इसलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि दिस टाइप ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल, दैट इज द फिट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं थी. क्यों नहीं ठीक थी उस पर हम बातचीत करते हैं. नंबर टू, जेएल नेहरू साहब ने क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया? उन्हें मालूम था कि अंडर दिस सिस्टम देयर वर लिटिल चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. यानी अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करें तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट मोटिव है, और वो अगर प्रॉफिट मोटिव में कहीं बहुत आगे निकल गया तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लीविंग कंट्री लाइक इंडिया, वो सब लोग विकास की धारा से महरूम हो जाएंगे. तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया. अब आप मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स को समझने की कोशिश करिए. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम दोनों के, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, दोनों की अच्छाइयों को मिला करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया. क्योंकि हमारी कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम के कंज्यूमर्स थे और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के भी कंज्यूमर्स थे. तो इट वॉज अटमोस्ट नेसेसरी टू कंबाइन both these system, both these economic system and to invent a new one that is called mixed economic system. If you look at, अब इन दोनों systems को मिला करके जो हमने एक नया system जिसे mixed economic system बोलते हैं, तो ये इसमें कौन सी तीन चीजें जो हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की हैं? नंबर वन,
जिसके कारण मतलब हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। पहला कि मार्केट फोर्सेस वुड इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स एंड द गवर्नमेंट इंश्योर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मार्केट फोर्सेस जब हम कहते हैं, जिसका मतलब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, वो तो इंडिविजुअल के प्रॉफिट पर डिपेंडेंट था, उनको मैक्सिमाइज करना चाहता था, और गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या था, इट वांटेड टू इंश्योर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो जस्ट अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था अगर हम ले लें जिसमें इंडिविजुअल के भी इंटरेस्ट और सोशल वेलफेयर के भी इंटरेस्ट समाहित हो, तो उससे और बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है। यानी इसके गाइडिंग प्रिंसिपल, मिक्स्ड इकोनॉमी के गाइडिंग प्रिंसिपल फर्स्ट क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट प्लस को एग्जिस्टेंस। हम सेल्फ इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंडिविजुअल पर्सन का, उसको भी ध्यान में रखेंगे, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर आल्सो टू बी टेकन इन टू अकाउंट। सो पहला प्रिंसिपल रहा मिक्स्ड इकोनॉमी का, सोशल वेलफेयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। नंबर टू, द कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बट इट इज लिमिटेड टू द प्राइवेट सेक्टर। कॉम्पिटिशन तो बना रहा, यानी हमने यहां पर कॉम्पिटिशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रखा तो, लेकिन क्या किया, बट इट वॉज लिमिटेड टू द प्राइवेट सेक्टर, इट वॉज नॉट अलाउड टू कम इन द पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर में आ जाता और कंज्यूमर के प्रेफरेंस को प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस दी जाती, यानी कंज्यूमर सॉवरेनिटी को अपर हैंड दिया जाता, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दोज हु आर लिविंग इन द कंट्री साइड, उनके साथ बहुत अनजस्टिस होता। तो उस इनजस्टिस से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंपटीशन को बनाए रखा, लेकिन उस कंपटीशन रूपी मिसाइल का मुंह केवल प्राइवेट सेक्टर तक मोड़ दिया। बच्चों, अगर इसमें आप तीसरा पॉइंट देखें, कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में, हमारे हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में एक्चुअली कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज रेस्पेक्टेड, यानी कंज्यूमर उपभोक्ता संप्रभु है, इस बात का सम्मान है। दो, देर इज अ कंसिडरेबल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। लेकिन बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि आय की असमानता भी है। तो हमने क्या विचार किया कि हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी को प्रश्रय देंगे, हम उसके साथ चलेंगे, उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि हमारे देश में इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए टू मिटिगेट द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इट इज नेसेसरी टू एडॉप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी आल्सो। तो दोनों साथ में हम कैसे ले सकते थे, इसीलिए हमने अपने इस सिस्टम को, अपने इस इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसमें हमने दोनों की अच्छाइयों को आत्मसात किया, इम्बाइब किया, मिला करके उसको मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम दे दिया। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये चीज जरूर, अगर आप देखें इकोनॉमिक सिस्टम
और इकोनॉमिक सिस्टम में हमने आपको बताया कि इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड, और एट द सेम टाइम यू नो एवरी इकोनॉमिक सिस्टम हैज टू आंसर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. क्या ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस. और तीन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यू नो द मीन्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड प्राइवेटली. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ये कौन कौन से फीचर्स हैं हमने विस्तार से आप लोगों को बताया. आप यस आई विल ट्राई डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम टू मेक इट क्लियर. यू नो द इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली बिकॉज ऑफ मोबाइल, सो आई विल टेक केयर ऑफ दिस यू नो नेक्स्ट टाइम, सो डोंट वरी प्लीज. मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में कुछ इधर उधर करता हूं अगर दिख जाए आपको तो आई होप कि मैं पीछे एक बार चलता हूं. अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि आई इस समय ओके फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहां पर है और मिक्स्ड इकोनॉमीज के फीचर्स हैं. यस मैं समझ पा रहा हूं, इट्स नॉट क्लियर विजिबली. हम इस पर ध्यान जरूर करेंगे. और तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जरूर रिवाइज करेंगे. लेकिन जाने से पहले हमारे पांच छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग जरूर नोट कर लें प्लीज. पहला हमारा क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, यस कुणाल आई कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट विजिबल यू, देयर इज अ प्रॉब्लम. आई विल सर्टेनली यू नो करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम. यस सुनील सुमित मैं आई विल मेक इट क्लियर. सुमित नेक्स्ट टाइम आई विल करेक्ट इट. सो नोट डाउन फाइव क्वेश्चंस दैट आई एम गिविंग यू प्लीज. नंबर वन, डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. यू जस्ट आई एम यू नो स्पीकिंग, यू प्लीज नोट डाउन. डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर वन. डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. नंबर टू, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. पहला क्वेश्चन है कि आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की डिफिनीशन देनी है. दूसरा क्वेश्चन है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंशिएट करना है. और तीसरा, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. अब बहुत तो उस तरफ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, चूंकि आप जानते हैं कि संसाधन हीनता की स्थिति में इस तरह की सिचुएशन बन रही है. सो आई थिंक कि ऑडियो इज क्लियरली ऑडिबल, तो हम समझते हैं कि उससे जो है ज़्यादा काम चल जाएगा हम लोगों का. तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम.
ये डिफरेंस करना है, तीन तीन चार चार पॉइंट में करिए, मेन मेन चीजें उसमें लिखनी है बस। और बच्चों तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन द मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं, नोट कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दो इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर इन ट्वेल्थ क्लास, बट इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद आवर लेक्चर। ओके, यू मस्ट हैव यू नो रेड इट, स्टडीड इट इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज इन द 11th क्लास, बट फॉर द सेक ऑफ यू नो रिकैपिचुलेशन, इट इज नेसेसरी टू रिवाइज इट एंड टू हैव सम यू नो रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत आगे तक भी आपको जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है और ये हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन पहला हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, चौथा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। माय फिफ्थ क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोगों ने इंजॉय किया होगा क्लास को, और फिर हम कल आप लोगों से 2:05 बाकी रहेगा तब फिर लाइव होंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, 5-year प्लान्स, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर का ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको डिटेल में डिस्कस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि जिससे अब आगे ये सब टर्म्स जब यूज किए जाएं तो आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड आवर लाइव स्ट्रीमिंग एंड होपिंग दैट यू विल बी डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस बैक एट योर होम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।